नमस्कार दोस्तों, द खबरदार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम कुशवाहा आपको आज की कुछ नवीन सूचनाओं और समाचारों से अवगत कराऊंगा। जानने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। भोपाल के बिजली सब स्टेशन में जोरदार धमाका। भोपाल में मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट मशीन में ब्लास्ट, सुधार कर रहा इंजीनियर झुलसा। भोपाल की एक बिजली सब स्टेशन में लगी यमी यानी मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट में जोरदार ब्लास्ट हो गया। मशीन किसी बम की तरह फटी और उसमें से भीषण आग भी निकली। हादसे में मशीन से निकले गर्म तेल की वजह से जेई महन सिंह झुलस गए। उनका चेहरा और सीना बुरी तरह से जल गया। भोपाल निगम टीम पर हमला करने वालों का घर तोड़ा। हंगामे के बीच कार्रवाई, नेता प्रतिपक्ष अतिक्रमण प्रभारी में नोक झोंक, बोले शर्म नहीं आती। राजधानी के न्यू मार्केट में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर हमला करने वाले अल्ताक पिता बन्ने खां के मकान पर शनिवार को जेसीबी चले। इस दौरान कांग्रेसियों ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष सबिस्ती जखी और अतिक्रमण प्रभारी कमर साकिब के बीच तीखी नोक झोंक भी हुई। मोबाइल खोलते ही बैटरी फटी, लगी आग। जबलपुर में फोन ठीक कराने दुकान पर आया था युवक। धमाके के बाद भागे लोग। जबलपुर में एक दुकान पर मोबाइल की बैटरी फट गई। तेज धमाके के साथ आग लगी तो लोग घबरा गए और दूर भागे। हादसा जयंती मोबाइल कॉम्प्लेक्स स्थित अंजू मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में गुरुवार को हुआ। इसका वीडियो अब सामने आया है। शॉप संचालक आशु जैन ने बताया, एक युवक मोबाइल लेकर आया था, मैं उस समय शॉप पर नहीं था। कर्मचारी ने मोबाइल खोला तो उसकी बैटरी फूल कर खराब हो चुकी थी। बैटरी निकालते समय अचानक धमाका हुआ और उसमें से आग निकली। संभवतः मोबाइल लावा कंपनी का था। मोबाइल ब्लास्ट का वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। अनिश्चित काल के लिए बंद हो गई लॉ यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय ने जारी किया मेल, छात्रों का आंदोलन जारी। जबलपुर में अनिश्चित काल तक के लिए बंद हो गई है लॉ यूनिवर्सिटी। सभी छात्र छात्राएं अपने अपने घर चले जाएं। यह मेल जारी करते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के खिलाफ बीते 10 दिन से चल रहा छात्रों के प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश की। इसके बाद छात्रों में आक्रोश पनप गया, लिहाजा छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से आर पार की लड़ाई करने का मन बना लिया है। रीवा में विचित्र ने खुद को किया आग के हवाले। कच्चे घर में फैले चिंगारी से गृहस्थी जलकर हुई राख। रीवा जिले के सोहागी थाना अंतर्गत त्योथर कस्बे में 82 साल की बुजुर्ग महिला ने केरोसिन डालकर खुद को जिंदा जला लिया। इस दुर्घटना में कच्चा घर पूरी तरह जलकर राख हो गया है। चारों तरफ फैली चिंगारी ने गृहस्थी को नष्ट करने के बाद अन्य घरों की ओर बढ़ रही थी, लेकिन समय रहते दमकल वाहनों ने आग पर काबू पा लिया। रीवा लोकायुक्त की दाविश, प्राचार 25,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप। शिक्षक से एरियर भुगतान के एवज में मांगी थी रकम, 5,000 रुपए पहले ले चुका था शिक्षक। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने एक भ्रष्टाचारी प्राचार को बेनकाब किया है। लोकायुक्त सूत्रों की माने तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालगांव का प्राचार 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुआ। दावा है कि आरोपी प्राचार ने अपने ही स्कूल के शिक्षक से एरियर भुगतान के एवज में रकम मांगी थी, लेकिन बिना पैसे लिए कागज तैयार नहीं कर रहा। वारदात गैंग के बाद अब सिंह कंपनी का कहर। सतना में दर्जन भर लड़कों ने कोचिंग गए छात्रों को सरेआम मारे लात जूते। सामने आया घटना का लाइव वीडियो। सतना शहर में दहशतगर्दी फैलाने वाली वारदात 111 गैंग से अभी सतना पुलिस ढंग से निपट भी नहीं पाई थी कि उसके पहले ही बदमाश किस्म के लड़कों की एक और कंपनी ने कहर बरपना शुरू कर दिया। इस गैंग का नाम सिंह कंपनी बताया जाता है, जिसके कारनामों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। छिंदवाड़ा के दो गांवों ने एक दूसरे पर बरसाए जमकर पत्थे, 200 हुए घायल। छिंदवाड़ा के गोटमार मेले में दो गंभीर। जानिए इस परंपरा के पीछे की अधूरी प्रेम कहानी। छिंदवाड़ा के पाढ़ू पड़ा में परंपरा के नाम पर फिर खूनी खेल खेला गया। गोटमार मेले में हुई पत्थरबाजी में इस बार करीब 200 लोग घायल हो गए। इनमें से दो की हालत गंभीर होने पर नागपुर रेफर किया गया है। परंपरा के नाम पर हुई इस पत्थरबाजी के दौरान पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौजूद थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो पत्थर फेंकते लोगों के सामने बेबस नजर आए। पन्ना कलेक्टर पर भड़के सीएम शिवराज, शहरी आवास योजना की जानकारी नहीं दे सके। मुख्यमंत्री बोले, ये ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह पन्ना जिले की समीक्षा बैठक ली। वर्चुअल मोड पर हुई इस मीटिंग में पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा अपने जिले की सही जानकारी नहीं दे पाए। इस पर सीएम शिवराज ने शहरी आवास योजना को लेकर कलेक्टर पर नाराजगी जाहिर की। सीएम को अफसरों ने बताया, आवास योजना शहरी के तहत मार्च 2021 के बाद 10,000 आवास स्वीकृत हुए हैं, उनमें 62% आवास पूरे हुए हैं।
बाकी पर काम चल रहा है। मार्च में 6500 नए आवास मंजूर हुए हैं, इसलिए भी देरी हुई है। इस पर सीएम ने पूछा कि आवास योजना के कामों को कमिश्नर भी देखते हैं या नहीं, क्या परेशानी है। पन्ना कलेक्टर ये बताएं कि अगर 4 महीने तक जियो टैगिंग चलती रहेगी तो कैसे काम चलेगा। सीएम ने कलेक्टर से कहा, आपके पास या तो जानकारी नहीं है या आप बता नहीं पा रहे हैं, ये बात कतई ठीक नहीं है। 180 की स्पीड पर भी नहीं छलका गिलास से पानी। नागदा ट्रैक पर दौड़ी देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, वंदे भारत, रेल मंत्री बोले बेहतरीन सवारी। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का तीसरा रैक ट्रैक पर उतर चुका है। कोटा नागदा ट्रैक पर इसका ट्रायल चल रहा है। ट्रेन को 120 किलोमीटर से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया। 26 अगस्त से शुरू हुआ ट्रायल 6 सितंबर तक चलेगा। और इसके साथ ही मेरी तरफ से दी जाने वाली आज की सूचनाएं समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।